बाबा रुकिएगा 2 मिनट थोड़ा सा। और देखिए बाबा यहाँ पे हैं और बाबा बताएंगे कब होने वाला है जग। बाबा सब हमारे खेत हैं, मतलब सब हमारे गांव का खेत है, सब मेरा नहीं है। देखिए पारी है, देखिए कैसे लोग दिखाने के चक्कर में अभी वो पारी। दोस्तों देखिए हम लोग जा रहे हैं, ठीक ना, हम लोग जा रहे हैं एक पुल पे और उस पुल का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे और बहुत जल्द हम लोग आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। तब तक के लिए वेट कीजिए। देखिए एक गाड़ी आ रहा है, ट्रैक्टर, देखिए एक ट्रैक्टर आया वहाँ पे और ट्रैक्टर जैसे चली जाती है वैसे हम लोग आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं। ये हमारे गांव का नज़ारा है, देखिए ये जो इसको चिमर बोलते हैं गांव में हमारे, देखिए सब ये चिमर है टोटल। देखिए छोटा छोटा लड़का सब, देखिए सब घूम रहा है सब। कहाँ जा रहे हो तुम सब, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा, सब घूमने आया था सब। और हम लोग जा रहे हैं अभी, हम लोग देखिए अपने हम लोग खेत के पास हैं अभी। देखिए हम लोग का खेत है ये सब, हम लोग का खेत है ये सब। और हम लोग जैसे पहुँचेंगे आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, तब तक के लिए अभी वेट कीजिए। हम लोग आपको कुछ दिखाने वाले हैं। देखिए एक बोरिंग है जिससे हम लोग अपना खेत उत पटाते हैं, वो तुरंत दिखाते हैं। वाला बोर है जो देखिए तार आया हुआ है, देखिए लाइन आया हुआ है, लाइन वहाँ से देखिए लाइन आया हुआ है। और ये देखिए बोरिंग है ये वाला। तो हम लोग पीच पे आ चुके हैं और थोड़ी दूर और जाएंगे तो बस हम लोग पहुँच जाएंगे। और देखिए जगह नज़ारा दिखाएंगे हम लोग वहाँ के, देखिए दिखाते हैं, देखिए कहाँ का, देखिए बहुत दूर है वहाँ पे, वहाँ पे देखिए वहाँ का जग होने वाला है जग वहाँ पे। तो बहुत जल्द वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे, बहुत जल्द हम लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं। मेरे दादाजी हैं जो अभी काम कर रहे हैं खेत में और तुरंत अभी काम करके घर पे जाएंगे। और देखिए बहुत देर से सुबह से काम कर रहे थे, हम लोग किसान हैं, कोई बहुत बड़ा पैसे वाले नहीं हैं। और देखिए सब हम लोग का खेत है, सब खेत है, देखिए टावर है, टावर है, ये खेत है, टावर है सब। और ये सब सब हमारे खेत हैं, मतलब सब हमारे गाँव का खेत है, सब मेरा नहीं है। देखिए पारी है, देखिए कैसे लोग दिखाने के चक्कर में अभी वो पारी थी ना, वो पारी से मार खा जाते हैं हम लोग और बहुत डेंजर थी, बहुत मारने वाली थी। हम लोग पुल के पास आ चुके हैं, बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। पुल के पास आ गए हैं, पुल है और देखिए कितना बड़ा पुल है, देखिए देखिए कितना बड़ा पुल है, इतना बड़ा पुल है, देखिए पुल देखिए। और ये पोखरा है, देखिए सब ये पानी है। और एक यूनिक चीज दिखाने जा रहा हूँ जो हम लोग कल एक सांप को मार दिए थे और सांप को कहाँ है उसको दिखा रहा हूँ मैं भी आपको, एक मिनट देखिएगा, मैं जा रहा हूँ दिखाने के लिए। और देखिए पानी है सब और उस सांप को मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो बहुत मोटा सांप था, वो हमको काटने के लिए हम लोग को आ रहा था तो हम लोग उसको मार दिए। देखिए है, देखिए देखिए देखिए, डर भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी जिंदा ही है लेकिन ये मर चुका है, ठीक है। और देखिए पानी है सब, एक वहाँ सांप है, देखिए देखिए वहाँ पे वो भी मर चुका है। हम लोग सांप, दो सांप मारे थे कल जो दोनों उसी में है, अभी पानी में है। ये पानी है, देखिए कितना पानी है यहाँ पे लगा हुआ है। और ठंड के मौसम में पानी जहाँ लगता है आपको पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। और देखिए यहाँ पर देखिए, और हम लोग बहुत जल्द वहाँ पे जाने वाले हैं जहाँ पे जग लगने वाला है, वहाँ का आपको सीन दिखाएंगे। कुत्ता देखिए, कुत्ता जो भाग रहा है, देखिए देखिए भाग रहा है, हम चहट रहे हैं और देखिए भाग रहा है, देखिए भाग रहा है, हम चहट रहे थे अभी। और देखिए बत्तख उड़ रहा है सब, बहुत दूर आ गए हैं हम लोग, बहुत दूर आ गए हैं चलते चलते आप लोग कुछ एक्स्ट्रा दिखाने के लिए। और दिखाता हूँ, देखिए ये वाला, ये देखिए ये वाला देखिए। और बहुत जल्द हम लोग को पहुँचने वाले हैं जहाँ पे जग होने वाली है और वहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। हम लोग छोटे गांव से हैं, बहुत बड़े कोई शहर से नहीं है, एक छोटे गांव से एक ब्लॉगर हैं जो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा चीज़ दिखाना चाहते हैं हम लोग। और बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं और बहुत जल्द हम पहुँचने वाले हैं वहाँ पर, तो आपको बहुत कुछ दिखाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और दिखाते हैं आपको। देखिए ये बहुत बड़ा पोखरी है यहाँ पर जो बहुत सारा पानी लगा हुआ है और यहीं पर होने वाला है जग। देखिए जग होने के लिए सब कुछ व्यवस्था किया जा रहा है। देखिए वो देखिए ये लड़का, देखिए क्या क्या कर रहा है बुआ, क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो? लकड़ी चुन रहे हो, बोलो लकड़ी चुन रहे हो? नहीं बोल रहा है, लजा रहा है, हमको लग रहा है शर्मा रहा है। देखिए सब बन रहा है, क्या है यही, यहीं पर जग होने वाला है, यहीं पर और यहीं पर जग होगा। देखिए जग का सब बन रहा है सब वहाँ पर। और यहाँ पर बाबा हैं, बाबा रुकिएगा 2 मिनट थोड़ा सा। और देखिए बाबा यहाँ पे हैं और बाबा बताएंगे कब होने वाला है जग। बाबा 6 फरवरी से। ओके बाबा, क्या नाम है? रुद्र महायज्ञ है। ओके ओके ठीक है, तो रुद्र महायज्ञ होने वाला है यहाँ पर, तो आप लोग हो सके स्थापना भी है प्राण प्रतिष्ठा। ओके ओके, तो हो सके तो आप लोग आ जाइएगा। और यहाँ पे चंदपुरा पंचायत में होगा, यहाँ पे बीरकुवारी चंदपुरा सब एक ही जगह है, पारसा प्रखंड में है। विराट यज्ञ है, विराट यज्ञ होने वाला है 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ, 11 दिवसीय रुद्र महायज्ञ होने वाला है। और हम लोग कुछ कुछ और आपको दिखाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर मंदिर के लिए काम चल रहा है, यहाँ पे मंदिर बन रहा है। देखिए मिस्त्री लोग हैं, लोग जो काम कर रहे हैं अपना,
और यहाँ प्लास्टर हो रहा है, देखिए मंदिर बन रहा है यहाँ पर, चेवर में एक ही पोखरी है जहाँ पर एक मंदिर भी बन रहा है, और बहुत कुछ आपको दिखाने वाले हैं, बने रहिएगा। यहाँ पर जो छठ होता है, छठ वाला है जो बनता है, वो छठ वाला यहाँ पे घाट बना हुआ है। और देखिए ये पानी है, बहुत ज़्यादा पानी इसमें है, बहुत गहराई भी है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि यहाँ पर कम से कम 4-5 हाथी अगर घुसा दिया जाए फिर भी लगता है कि वो डूब जाएगा। और देखिए ये सब आपको दिखा रहे हैं, देखिए सब बाउंड्री मारा गया है, सब बाउंड्री मारा गया है। और बहुत बड़ा पोखरा है, देखिए आपको दिखाते हैं, बहुत बड़ा है। एक्स वाला बना हुआ है जो हम, जहाँ से हम लोग दाल चावल अपना लेते हैं, यहीं से दाल चावल ले जाते हैं। और ये चेवर में बना हुआ है, और यहाँ पर आप आकर बैठ भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कुछ नहीं बोलता है। और देखिए ये वाला, देखिए लिखा हुआ है चंदपुरा प्राथमिक कृषि शाखा सहयोग समिति, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्राम पंचायत प्रखंड पारसा सारण। और हम लोग यहाँ से हैं, पारसा से हम लोग हैं, जो एक छपरा जिला में पड़ता है, बिहार से हैं हम लोग। और बहुत कुछ अभी दिखाने वाले हैं आगे में, देखते रहिएगा। बना हुआ है, चल रहा है यहाँ पे, और ये सब पेड़ के लिए घेरा गया है, देखिए सब ये पेड़ है, छोटा पेड़ है बहुत सारा। और बहुत ठंड भी लग रहा है, देखिए सब जॉकेट पहन कर आए हुए हैं, और भैया को ठंड लग रहा है, भैया जॉकेट नहीं पहने हैं आप? हाँ देखिए इनको ठंड लग रहा है, कांप भी रहे हैं, तो इसलिए जॉकेट पहन कर आना चाहिए था। ऐसे ही चले आए हैं ब्लॉग बनाने के लिए, हम बोले हैं कि चलिए आज कुछ दिखाएंगे आप लोगों को, तो बहुत कुछ अभी दिखाने वाले हैं। देखिए हम लोग अभी घूम रहे हैं, पूरे चारों तरफ राउंड कर रहे हैं, और बहुत कुछ आगे में दिखाएंगे आपको हम लोग। और देखिए हम लोग घूम रहे हैं, और आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग छोटे गांव से हैं और आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। बिहार में तो बहुत ठंडा है, पता नहीं आप लोग के पास कितना ठंडा लग रहा है। यहाँ पर हम छपरा जिला से हम लोग हैं, बिहार से हैं हम लोग, और बहुत ठंड यहाँ पर लग रही है, और फिर भी हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ दिखाने के लिए, कुछ नया चीज़ दिखा पाएँ, और इसके लिए इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, कहीं देख भी रहे हैं कुछ दिख जाए जो आपको दिखाया जाए। एक बड़ा पेड़ है, देखिए एक बड़ा पेड़ है, देखिए कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पे, देखिए काची का पेड़ है, आम का पेड़ है। यहाँ पर बहुत ठंड लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, जो देखिए यहाँ पर आग तापा जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे दोस्त लोग हैं और बाबा यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पर जग लगने वाला है, जो बीर कुंवारी और चंदपुरा के बीच में होने वाला है। हम लोग घर पर जा रहे हैं, और हम लोग आपको बहुत कुछ दिखाए हैं, और कोशिश करेंगे कि और भी बहुत कुछ नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाया जाए। और आप लोगों को हमको आशा है कि बहुत अच्छा लगा होगा, और हम लोग जितना हम लोगों से हो सके उतना यूनिक चीज़ हम लोग दिखाए हैं आपको, एक्स्ट्रा कुछ नया नया चीज़ दिखाने की कोशिश किए हैं, और हम लोग से गलती भी हुई होगी तो माफ़ कीजिएगा लोग, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।